ऑलरेडी साइलेंस एट द बैक प्लीज. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, यू नो कि प्रमोशन कितना थकाने वाला होता है? एक ही बात को आप अपने किरदार के बारे में मुख्तलिफ लोगों से एक ही चीज़ कहे जा रहे हैं. भाई नेसेसरी इविल है प्रमोशंस में, आई कॉल इट द नेसेसरी इविल. तो अलग सेम बात को अलग अलग ढंग से बोलना, आई थिंक वो भी कला है. इट्स कॉल्ड पैकेजिंग एंड रीपैकेजिंग. तो बट मज़ा आता है. आई थिंक प्रमोशन आज की डेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है फिल्मों को लेके. पर्सनली आई डोंट एंजॉय टू मच टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अब क्या करें, करना पड़ता है, प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं. ओके हुमा, ऐसा कुछ खास जो अभी तक पूछा ना गया और आप कहना चाहती हैं फिल्म के बारे में? ऐसा कुछ खास जो पूछा ना गया हो, नहीं एक्चुअली आई थिंक काफ़ी अलग अलग लोगों से मैंने बातचीत की है फिल्म को लेके और काफ़ी अलग अलग सवाल आए हैं. बट आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस फिल्म को लेके ये है कि 70 ईयर्स हो गए हमारे पार्टीशन को, 70 ईयर्स हो गए हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस को. बहुत मुश्किल से जीता गया ये इंडिपेंडेंस है, बट हमारे इंडिपेंडेंस की खुशी के साथ कहीं ना कहीं पार्टीशन का गम भी छुपा है. और बहुत सारे लोग थे जिनकी जाने गई इस प्रोसेस में. अबाउट 2 मिलियन पीपल डाइड, मोर देन 11 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लाइव्स इन देयर होम्स. और आई थिंक हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो हमको भी भूलनी नहीं चाहिए. हमेशा उससे जो सीख मिली है, जो जो लेसन्स हिस्ट्री हमारे लिए छोड़ जाती है, आई थिंक टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स, टू बी बेटर सिटीजन्स, हमको वो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए. और हमारे इंडिपेंडेंस से लेके भी जो कुछ ऐसी बातें हैं जो ये फिल्म यू नो हमें बार बार याद दिलाती है, आई थिंक उनके बारे में सोचना चाहिए, अपनी हिस्ट्री को और जानना चाहिए, ताकि हम ये समझ पाएँ कि एज ह्यूमन बीइंग्स हमारे अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि कॉमन है, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर हो, म्यूज़िक हो, फूड हो, ट्रेडिशंस हो. तो आई थिंक दे आर मोर सिमिलैरिटीज़ रादर देन डिससिमिलैरिटीज़. तो अगर हम उन सिमिलैरिटीज़ को सेलिब्रेट करें मोहब्बत से और डिफरेंसेस ना ढूंढने झगड़े करने के लिए, तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस. कहीं अगर मैं आपके लुक की बात करूँ, खुशा की बात करूँ, तो वो कहीं झलकता है कि हाँ उसी वो शलवार कमीज बहुत सिंपल सी है इस किरदार के अंदर. तो क्या क्या खास तैयारी करनी पड़ी? वेल इस फिल्म के लिए ऑफकोर्स पीरियड फिल्म है. पीरियड फिल्मों में एक अलग प्रेपरेशन होती है. यू हैव टू गेट एवरीथिंग राइट, कपड़ों से लेकर, बाल से लेकर, बोलने के तरीके से लेकर. और क्योंकि अंग्रेजी फिल्म है तो इंग्लिश में वो जो कैरेक्टर जिस तरीके से बात करेगा, खासकर 1947 की एक लड़की जो कि पढ़ी लिखी है, जो कि एक ट्रांसलेटर की नौकरी करती है वाइसरॉयज हाउस में, तो वो किस तरीके से बात करेगी, अपने अब्बा से कैसे बात करेगी, वाइसरॉयज हाउस में कैसे बात करेगी, अपने बॉयफ्रेंड से कैसे बात करेगी. तो आई थिंक दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन. बट मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि आई लाइक डूइंग चैलेंजिंग रोल्स, आई लाइक डूइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स. मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि चाहे मेरी पहली फिल्म हो या लेटेस्ट फिल्म हो, मैं कुछ अलग करूँ रादर देन डूइंग द सेम कैरेक्टर अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो कहीं ना कहीं आई फील यू नो वाइसरॉयज हाउस, पार्टीशन 947 यू नो एक चैलेंजिंग फिल्म थी फॉर मी इन दैट रिगार्ड. और अब क्योंकि फिल्म हिंदी में भी डब हुई है और एक इंडियन ऑडियंसिस के लिए आई है, अगस्त 18 को रिलीज़ हो रही, तो आई फील कि लोग वो मेहनत जो एक पीरियड फिल्म को बनाने में जाती है उसको अप्रिशिएट करेंगे. कंटेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि एक ऐसे मुद्दे को हम उठा रहे हैं जो इतिहास का एक हिस्सा है, 1947 की हम बात करें, कंटेंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और नहीं आपको लगता है कि ओवरशैडो हो जाएंगे आप कंटेंट को लेके, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट आई थिंक वक्त बदल रहा है, ऑडियंस बदल रही है, सिनेमा बदल रहा है. आज की आप कोई भी फिल्म उठा के देखिए, वो इसलिए वर्क नहीं करती क्योंकि फला फला नाम उससे एसोसिएटेड है. वो फिल्म इसलिए वर्क करती है उसका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड आई थिंक अब लड़ाई जो आगे होने वाली है वो नामों के बीच में नहीं होने वाली है, सुपरस्टार्स के बीच में नहीं होने वाली, वो कंटेंट के ऊपर होने वाली, विच इज़ राइटली सो. क्योंकि आई थिंक लोग भी ना अब कुछ नया देखना चाहते हैं, लोग कुछ एक नई कहानियाँ, कोई नई सोच. हम लोग आजकल डिजिटल एज है, हम लोग डिजिटली दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों कहीं की भी फिल्म देख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज की फिल्म देख सकते हैं. हम इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे से वाया सोशल मीडिया. आई थिंक हम कुएं के मेंढक अब बन के नहीं रह सकते हैं. आई थिंक द टाइम इज़ कम फॉर ऑल ऑफ अस टू वॉच, टू मेक इंटरेस्टिंग फिल्म विद स्टोरीज एंड यू नो जो लोग पसंद करते हैं. एंड बॉक्स ऑफिस भी अब उन फिल्मों को सपोर्ट करता है. ओके, उसके अलावा जैसे आपने कहा कि अब स्टार का नहीं रहेगा पावर, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो कंटेंट इज ऑलवेज किंग. डू यू एग्री विद दिस? अनुराग कश्यप, तिग्मांशु धूलिया, दिस आर द पीपल हु ब्रॉट न्यू सिनेमा टू बॉलीवुड, दे आर द वन हु स्टार्टेड दिस.
वेल ऑफ कोर्स आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अनुराग कश्यप सिनेमा. मेरी पहली फिल्म अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की थी, मेरे पहले डायरेक्टर हैं. और आई एम ग्लैड कि गैंग्स ऑफ वासेपुर मेरी पहली फिल्म थी, क्योंकि वो फिल्म एक उस फिल्म की जो खासियत है, जो शायद जब मैं फिल्म करी थी मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुई थी, कि चाहे कोई बंदा बिहार में बैठा हो या यूपी उत्तराखंड में बैठा हो या कोई फ्रांस में बैठा हो या जर्मनी में बैठा हो, तो उस फिल्म से उतना ही रिलेट कर पाता है, उतना ही इन्जॉय कर पाता है. आई थिंक इन दैट सेंस गैंग्स ऑफ वासेपुर वॉज अ परफेक्ट डेब्यू लॉन्च फॉर मी. वो फिल्म ना कि केवल यहाँ पे बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल हुई, बट ऑल्सो वेंट टू अ कैन फिल्म फेस्टिवल, उसे इंटरनेशनल अप्रिसिएशन मिला, वो बहुत लैंग्वेज में डब हुई, उसे अप्रिशिएट किया गया. एंड आई थिंक एज एन एक्टर कहीं ना कहीं वो फिल्म इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए, क्योंकि उसने एक मेरी जर्नी जो होने वाली है अगले सालों की, वो एक कहीं ना कहीं उसका एक एक समा बांध दिया. एंड आई थिंक टाइप ऑफ सिनेमा मुझे समझ नहीं आता, मुझे इंटरेस्टिंग फिल्में समझ आती हैं. अच्छी फिल्में होती हैं और बुरी फिल्में होती हैं. कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अच्छी स्क्रिप्ट चूज़ करें, उन लोगों के साथ काम करें जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, जो आपको लगता है उस फिल्म को करेक्टली बनाएंगे, ना कि उसकी पैकेजिंग में लग जाएंगे, ना कि उसका उसको उसको यू नो स्टार्स से या बजट से या फिजूल की चीज़ों से उसे ड्रेसअप करने की कोशिश करेंगे. हर फिल्म का एक एक बनाने का तरीका होता है. आई लाइक वर्किंग विद फिल्म मेकर्स जो प्योरेस्ट होते हैं, जो फिल्म को फिल्म के लिए बनाते हैं, तो ये मेरी हमेशा कोशिश है. श्रीराम राघवन, श्रीराम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म मेकर्स. इट्स बीन अ प्लेजर वर्किंग विद हिम. बहुत ही कम्प्लीट फिल्म मेकर है और कमर्शियल भी हैं और कुछ अलग सा ही बनाते हैं जो सिर्फ उनको ही समझ आता है, तो एंड इट्स लवली वर्किंग विद हिम. ओके, उसके अलावा हाल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म का जिक्र करना चाहूँगा, बाबू मोशाय, बाबू मोशाय, उसको लेकर सेंसर ने एक तो ए सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद 48 काट जी. क्या इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सेंसरशिप के मुद्दे के बारे में तो बहुत लोग बहुत कुछ कह चुके हैं, अब मैं क्या नई बात कहूँ, बट मेरा मानना यह है कि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि सेंसर बोर्ड का काम जो है वो फिल्म को सर्टिफिकेशन देना है, ना कि उसको बैन करना या ये डिसाइड करना है कौन उसको देख सकता है कौन नहीं देख सकता है. वंस यू गिवन अ सेंसर सर्टिफिकेट, हम एक डेमोक्रेसी हैं, हम एक फ्री कंट्री हैं, और ए सर्टिफिकेट का मतलब मेरे हिसाब से ये होता है कि अडल्ट ही पिक्चर वो देख पाएँ, बच्चे या माइनर्स ना देख पाएँ. सो आई डोंट थिंक आफ्टर दैट एनी बडी शुड से एनीथिंग अबाउट एनीथिंग. फीमेल प्रोड्यूसर, यू नो, शी वॉज आस्क्ड कि आपने ये पहन रखा है पैंट और शर्ट, तो आप मर्द यहाँ औरत ही नहीं. शी वॉज देयर फॉर द सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन, दैट सेंसर बोर्ड, किसी ने उनसे किसी लड़की ने पैंट और शर्ट पहनी थी, अब मैं क्या ही कहूँ, पहले वो कुछ कह पाती, कोई और शख्स आके कहता है ये तो औरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो जींस पैंट और शर्ट पहन रखी है. एक औरत का अपमान, एक फीमेल प्रोड्यूसर का अपमान, वो भी सेंसर बोर्ड में वो जाके खड़े हैं 3-3 घंटा. इट्स क्वाइट स्टूपिड. मतलब इस पे तो कोई, मतलब आई डोंट वांट, मतलब ये इतनी स्टूपिड बात है कि इस पे मैं क्या ही बोलूं. मैं आपको लगता है कि ये सेंसर बोर्ड का सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं. देखिए, सर्टिफिकेशन तो जरूरी है. फिल्म का सर्टिफिकेशन वेस्ट में भी होता है, यहाँ पे भी होता है, वहाँ पे यूनिवर्सल होता है, यूए होता है, PG-13 होता है, PG-15 होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं. बट हम लोग सेंसरशिप के नाम के ऊपर ऐसे कोई ड्रैकोनन लॉज नहीं बना सकते हैं कि हम डिसाइड करने लग जाएं कि लोग क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे. हम लोग कोई ऐसे रिग्रेसिव सोसाइटी नहीं है. आई थिंक इंडियन कल्चर बहुत प्रोग्रेसिव है. हमारा लिटरेचर हो, हमारी मूवीज़ हो, आई थिंक हम लोग बहुत कमाल की फिल्म्स बना रहे हैं और बना और आगे भी रहेंगे. एंड आई थिंक टुडे चाहे इन द वेस्ट ऑल्सो देयर इज सो मच इंटरेस्ट इन इंडिया एंड इंडियन फिल्म्स, इंडियन एक्टर्स, व्हिच इज़ व्हाई ऑल ऑफ अस आर मूविंग एंड यू नो वी आर डूइंग वर्क अक्रॉस सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस. सो आई थिंक कि कुछ कुछ टाइम की बातें हैं, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये कॉन्वर्सेशन ज़रूरी है, क्योंकि हर कुछ सालों में ये कॉन्वर्सेशन अपनी मोरालिटी को लेके, अपनी सेंसरशिप को लेके, अपने लॉज को लेके ज़रूरी है, ताकि वी ऑल्सो कीप ग्रोइंग, अदरवाइज हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे. सो आई थिंक दिस, आई एम ग्लैड कि आज सेंसरशिप एक कॉन्वर्सेशन बन गई है, जो कि लोग अपने डिनर टेबल्स पे कर रहे हैं, घरों में कर रहे हैं, टीवी आप चलाते हैं तो वहाँ हो रही है, क्योंकि एज सोसाइटी बहुत ज़रूरत है हमको. अगर हमको ग्रो करना है तो हमको ये सेल्फ रिफ्लेक्शन करना ही पड़ेगा. प्लीज़, मैं नेपोटिज्म के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं बहुत बोर हो गई हूँ नेपोटिज्म के बारे में बात कर करके. उसी मुद्दे को लेकर एक बड़े अवार्ड फंक्शन में उसको
उसको फिर उठाया जाता है. वी रॉक नेपोटिज्म. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन नेपोटिज्म. आई एम जस्ट बोर्ड ऑफ नेपोटिज्म रियली. ओके, आई थिंक पीपल शुड गेट अ न्यू टॉपिक टू डिस्कस. ओके, योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद गुरिंदर चड्ढा. जी, माय एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद गुरिंदर चड्ढा अमेजिंग. मैंने कभी एक फीमेल डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया था, तो मेरी पहली बार थी और मुझे पता नहीं है कि वो इतनी स्ट्रांग है और आई डोंट नो वेदर शी इज़ लाइक दैट बिकॉज शी इज़ अ फीमेल डायरेक्टर जस्ट बिकॉज शी इज़ दैट्स हाउ शी इज़. बट इट वॉज शी इज़ अ फोर्स ऑफ नेचर. कहते हैं जैसे आंधी तूफान बारिश बिजली जैसी फोर्सेज ऑफ नेचर होती हैं, वो वैसी ही हैं. रूम में आती हूँ तो पूरा रूम एकदम मतलब उसको कंट्रोल कर लेती हूँ. और इस सब्जेक्ट को लेके बहुत पैशनेट हैं. पिछले 9 साल से स्क्रिप्ट पे काम हो रहा था. वो उनके हस्बैंड कोशिश कर रहे थे फिल्म को बनाने के लिए. और चाहे हिंदुस्तान हो या वेस्ट हो, एक महिला के लिए पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल बात है. और वहाँ पे भी ये सोच है कि औरतें सिर्फ एक तरीके की फिल्म बना सकती हैं, स्मॉल बजट इंडी डायस्पोरा फिल्म्स. सो फॉर अ फीमेल डायरेक्टर टू इमेजिन एनविसाज एंड मेक सच अ बिग फिल्म वॉज अ स्ट्रगल. खासकर क्योंकि वो ब्राउन है, जैसे वहाँ कहा जाता है एशियन ओरिजिन की हैं, वाइट नहीं है, तो उसके अपने स्ट्रगल होते हैं. तो और उसके बावजूद वो पिछले इतने आई थिंक 25 साल या कितने साल हो गए उनको, जब उनकी पहली फिल्म मेरे ख्याल से भाजी ऑन द बीच थी जो मैंने कॉलेज में देखी थी, जो मुझे बहुत पसंद थी. और फिल्में बनाना और जो फिल्में आप बनाना चाहते हैं वो फिल्में बनाना, जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, जो कास्ट आप उसमें कास्ट करना चाहते हैं, आई थिंक ये बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन होते हैं. बट हैट्स ऑफ टू हर. आई थिंक आई लाइक वर्किंग विद स्ट्रॉन्ग पीपल, क्योंकि आई फील आप भी ग्रो करते हैं उनके साथ. जब बहस होती है या आर्ग्यूमेंट होता है स्क्रिप्ट को लेके, आपके कैरेक्टर को लेके, तो आप भी बहुत ग्रो करते हैं उस प्रोसेस में. सो मेरा तो बहुत ही इन्जॉयबल एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का. एवरी वन इज स्ट्रॉन्ग. आई वॉन्ट टू वर्क विद एवरीबडी. I'm working on a very beautiful film right now called Kala. It's with Jajni sir and I'm in the middle of shooting for that right now. Well, to throw light on Kala is too early. Abhi Kale ko Kale mein hi rehne dijiye. Jab abhi waqt aayega uske bare mein charcha karne ka tab hum karenge. Okay, ye bhi kahi baat kahi ja rahi hai ki no ek daur sa ban gaya hai, chahe Hindu sarkar ho ya uske piche dusri film ho, extended prime minister ho. Ab main iski baat karta hu. Kahi is bare mein darshati hai ki एक खास पार्टी को लेकर टारगेट करा जा रहा है. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदू सरकार चोज इंदिरा गांधी इन अ बैड लाइट, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटेंडेड प्राइम मिनिस्टर चोज मनमोहन सिंह इन अ बैड लाइट, देन यू नो द पार्टीशन 1947 इट सेज कि भाई वो सियासी लोगों की वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ. नहीं, व्हाट 1947 सेज कि वी आर गोइंग टू अनमास्क द बिगेस्ट कंस्पिरेसी दैट एवर हैपेंड. पार्टीशन क्यों हुआ उसके रीज़न शायद हमको पता नहीं है. और इस फिल्म की रिसर्च के दौरान गुरिंदर चड्ढा जब इसकी रिसर्च कर रही थी, तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो ब्रिटिश सरकार ने क्लासिफाई किए थे वो डीक्लासिफाई हुए और उनमें कुछ नए पहलू पार्टीशन को लेके सामने आए, जिन पहलुओं के ऊपर जो हमें ना पता है ना हमें पढ़ाया जाता है हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में, और उनके बारे में बातचीत की गई है. एंड वो इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जानना, चाहे वो फिल्म के माध्यम से क्यों ना हो, क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री है, वो हमारा सच है, वो हमारा पास्ट है. आई डोंट थिंक मुझे देखिए पॉलिटिक्स ना तो समझ आता है ना मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि अगर कोई कुछ बात कह रहा है, आई डोंट थिंक सो इस फिल्म में कोई ऐसा पॉलिटिकल रेफरेंस है फॉर अ करंट एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी. तो द मैसेज आई वॉन्ट टू गिव टू ऑल माई फैंस कि प्लीज़ आके पार्टीशन 947 देखिए, 18 अगस्त को रिलीज़ हो रही है और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. एक फिल्म जो मोहब्बत की बात करती है, जो यूनिटी की बात करती है, जो ये बात करती है कि हमें अपने डिफरेंसेस को छोड़ के अपनी सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करनी चाहिए. और ये पार्टीशन जो हमारे मुल्क में हुआ और इतने सारे लोगों की जाने गई, आई थिंक द टाइम हैज़ कम आफ्टर 70 ईयर्स कि हम उनकी मेमोरी को ऑनर करें, उनके सैक्रिफाइसेस को ऑनर करें और कोशिश करें कि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हम ऐसे माहौल अपने देश में ना पैदा होने दें, ना क्रिएट होने दें जिससे हमारे बीच में डिफरेंसेज आएँ. So I think if you're an Indian, do yourself a favor, please go watch Partition 947. Thank you.